इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर दुमका में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2022-23 का दुमका के बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। दुमका सांसद सुनील सोरेन एवं दुमका नगर परिषद अध्यक्ष श्वेता झा ने एथलेटिक्स मुकाबले की शुरुआत कर और उप विकास आयुक्त कर्ण सत्यार्थी, जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद, जिला खेल पदाधिकारी तूफान पोद्दार एवं जिला खेलकूद संघ के सचिव उमाशंकर चौबे ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रेसिडेंशियल स्कूल 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये दुमका में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय काठीजोड़िया दुमका ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें 4 जिले के EMRS के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें तोरसिंदरी, गोड्डा, लोहरदगा और दुमका। और ये बच्चे जो स्पोर्ट्स के इवेंट में जो बच्चे अच्छा करेंगे वो बच्चे नेशनल के लिए कर्नाटक जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे। और ये 3 दिवसीय है जो 10, 11 और 12 तक चलेगा ये इवेंट, ये हमारा आउटडोर स्टेडियम में हो रहा है। कौन कौन इवेंट्स है? इवेंट में एथलेटिक्स का मोस्टली सारा इवेंट है, साथ में ग्रुप इवेंट्स में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और आपका खो खो ये है, और शूटिंग, फायरिंग, आर्चरी सारा कुछ है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं खेल को देखने के लिए। आज 4 स्कूलों की जो टीमें यहाँ आई हैं प्रतिस्पर्धा में, किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी। जिसकी जीत हुई वो तो जीत हुई, लेकिन जिसने हारा, जो टीम हार गई वो कुछ सबक लेके गई, वो कुछ सीख लेके गई। इसीलिए किसी भी क्षण घबराना नहीं है, खेल को खेल भावना से खेलना है और मन के साथ साथ तन को भी दुरुस्त करना है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई तो है ही, उसे तो पढ़ना ही है, लिखना ही है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि हम अपना शारीरिक विकास कैसे करें। तन का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर विकास किसी भी आदमी को सशक्त और दृढ़ बनाता है। आज तुम लड़कियां यहां खेल रही हो, ये हम सबों के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत ही शुभकामना देती हूं कि तुम लोग इसी खेल खेलते हुए दुनिया के शिखर तक पहुंचो। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोग जितने सशक्त होकर खेलोगी, लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चियों को प्रेरणा मिलेगी, और तुम लोग मजबूती से खेलो। तुम सबों को बार बार ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और हमको पहले याद है जब हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते थे तो घर का गार्जियन जो है या हमारे दादाजी वगैरह जो है वो डांटते थे कि खेल करके क्या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज समय परिवर्तन है और खेल के माध्यम से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं और अपना लाइफ को भी सेटल कर सकते हैं और जीवन स्तर को भी सुधार सकते हैं। इसलिए खाना जितना ज़रूरी है, खेल भी उतना ज़रूरी है। इसलिए के मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मेरा शुभकामना है कि आप लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खेलें और जो भी जो टीचर लोग आप लोग को बताते हैं, क्योंकि आप लोग देश का भविष्य है, देश को आगे ले जा सकते हैं, चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे वो पढ़ाई का माध्यम हो, सारे चीज़ों में आप लोग आगे बढ़ें, यही मेरा शुभकामना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।